15 अगस्त पर यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सभी सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद अपने संबोधन के दौरान सबको बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि परंपरा अनुसार आज जगह जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है। गोरों को भगाकर हमने बहुत मुश्किल से आजादी हासिल की थी, परंतु आज भी हमारे आसपास गुलामियों का परिवेश है जिससे हम रोज बंधे रहते हैं। उन्होंने यूनियन क्लब को लेकर कहा कि यह सबसे पुराना क्लब है, इसकी मान शान सब आप पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के हाथ में है। इस क्लब को व्यवस्थित रखें, किसी भी नॉन मेंबर या असामाजिक तत्वों को क्लब में ना लाए, इससे आप जैसे अच्छे खिलाड़ियों का खेल छिप जाता है और क्लब की छवि धूमिल होती है। स्वाधीनता दिवस पे समस्त देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हमने यूनियन क्लब में परंपरा अनुसार 1932 से लगातार हम यहाँ झंडारोहण और 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं, और इस अवसर पर मैं सभी हमारे खिलाड़ियों को, हमारे स्टाफ को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे सम्मानी सदस्यों को, सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। साथ ही साथ ये अपेक्षा करता हूँ कि क्लब को स्वच्छ और अच्छा रखें और क्लब के नियमों का पालन करें। आज मैंने बहुत साल बाद मेंबरों से आग्रह किया है, खेलों के लिए विख्यात इस क्लब की छवि जो है वह बरकरार रखे और खेलों में इसका परचम इसी ध्वजारोहण की तरह बेहतर रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के CEO शेरी सिंह, स्टेट हेड दामू आम्बेडारे, संपादक संजय शुक्ला समेत ग्रैंड विजन और ग्रैंड न्यूज के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए चेयरमैन होरा ने कहा कि आज हमारे मुख्य कार्यालय समेत बिलासपुर, जगदलपुर समेत सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। वे राष्ट्र धर्म को अपना सर्वप्रथम धर्म मानते हैं। गुरुचरण सिंह होरा ने आगे कहा कि जिस प्रकार सभी व्यक्ति होली, दिवाली, ईद का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने परिवार के साथ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाना चाहिए। ये त्योहार भी दिवाली, होली, ईद की तरह ही है। यही गुरुद्वारा है, यही मंदिर है। राष्ट्र है तो सब है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। वे सभी से आग्रह करते हैं कि राष्ट्र का जो पर्व है उसे बहुत ही अच्छे से मनाएं। आज स्वाधीनता दिवस पे मैं ग्रैंड विजन के समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को, ब्रॉडकास्टर को और अपने ग्रैंड विजन से जुड़े हुए सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देता हूँ। मैंने हमेशा यह आग्रह किया कि हमारे सारे संस्थान रायगढ़, बिलासपुर, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, सब जगह ध्वजारोहण हुआ है। आज हमारे सेंट्रल कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया है। मैं राष्ट्र धर्म को सर्वप्रथम अपना धर्म मानता हूँ। आज के रोज हर व्यक्ति को, जैसे कि दिवाली, होली, आपका ईद और जैसे बैसाखी सब मनाते, इसी तरह इस त्यौहार को भी घर घर में मनाया जाना चाहिए और सबको तिरंगे का, झंडे का जो है वो हाथ में लेके और अपने घरों में फहरा के खूब गर्मजोशी से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरा देश हमारा आज़ादी का पर्व मना रहा है और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह है। इसी कड़ी में हमारे ग्रैंड न्यूज के मुख्यालय पंडरी में भी ध्वजारोहण किया गया चेयरमैन गुरुचरण होरा जी के हाथों, और अभी पूरे ग्रैंड परिवार ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रदेशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर यह कामना करता हूँ कि हमारा देश दिनों दिन रात चौगुना तरक्की करे और विश्व में नंबर 1 के नक्शे पर भविष्य में अंकित हो। यूनियन क्लब ग्रैंड विजन दफ्तर परिसर में ध्वजारोहण करने के बाद गुरुचरण सिंह होरा ने रायपुर की प्रसिद्ध होटल ग्रैंड एम्पीरिया में सभी कर्मियों के बीच ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद सभी कर्मियों के आग्रह पर चेयरमैन होरा ने सबके साथ फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने सबको बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व हम सबके लिए गौरवशाली पर्व है। हर भारतीय को इस दिन पर नाज है। किस तरह से देश को आजादी मिली, वे मौके सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।